डेरिवेशन ऑफ पॉइसन फॉर्मूला में थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया, प्लीज़ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर ये डेरिवेशन, देखो डेरिवेशन तो नहीं है क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ है, ये तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं जो मैंने किए। एक तो होता है आपने मैथमेटिकली डराइव किया, एक एक्सपेरिमेंट से आया, तो जो रिजल्ट मैंने करवाया वो एक्सपेरिमेंट से आया, इसकी कोई डेरिवेशन नहीं है। पर फिर भी स्कूल वाले पूछ लेते हैं डराइव व्हाट इज पॉइसन फॉर्मूला, एक्सप्लेन एंड डराइव एक्सप्रेशन फॉर पॉइसन फॉर्मूला। तो एक काम कर देना आप, इसमें ऐसे लिखना, ये लिख सकते हो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, ऐसे कर सकते हो आर रेज टू पावर ए, प्रेशर बाय लेंथ रेज टू पावर बी, प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं इसे, ईटा रेज टू पावर सी। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड इज सम कॉन्स्टेंट इन टू आर रेज टू पावर ए, पी बाय एल रेज टू पावर बी और ईटा रेज टू पावर सी। मतलब यूनिट्स एंड डायमेंशन से इसकी वेरिफिकेशन करनी है कि ये फॉर्मूला एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो और कुछ नहीं करना, बस यूनिट एंड डायमेंशन लो। आप ये लिखो कि वॉल्यूम फ्लोइंग परसेंट किसी भी ट्यूब में तीन फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है। जबकि एक बात बताओ, पॉइसन फॉर्मूला के अंदर चार चार वेरिएबल थे, आर भी था, पी भी था, एल भी था और ईटा भी था। मैंने पी बाय एल को कंबाइन किया, ऐसा क्यों? पर क्यों? तीन से ज़्यादा यूनिट्स एंड डायमेंशन क्वांटिटी काम ही नहीं करेगी ना, वेरिफिकेशन कैसे करोगे? तो तीन से ज़्यादा काम ही नहीं करेगी, तो इसलिए आप इसे कंबाइन करें। वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब एल क्यूब, पर सेकंड का मतलब टी की पावर माइनस वन, आर का मतलब लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट जो सॉल्व करना, प्रेशर ग्रेडियंट आएगा एम एल माइनस टू टी माइनस टू रेज टू पावर बी, प्रेशर बाय लेंथ कर लेना। और ईटा याद है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, सबसे ज़्यादा यही तो यूज़ करते थे हम यूनिट्स एंड डायमेंशन में। अगला पार्ट आपको आता है करना, ए बी सी निकालना। तो बोलो यहाँ से ए क्या आएगा? एक फोर, फॉर्मूला तो पता ही है क्या प्रूव करना है, कि आर की पावर तो पक्की फोर आएगी। फोर नहीं भी आएगी तो भी है, तुमने फोर ही लिख के आनी है, फोर आई है क्योंकि आर की पावर फोर ही होती है। नेक्स्ट है B की पावर क्या आएगी? वन, क्योंकि P और L वन वन पावर के होते हैं। और ईटा कहाँ आता है? डिनोमिनेटर में। तो C क्या आएगा? माइनस वन। तो जब तुम यहाँ पर पुट करोगे तो तुम्हारे पास वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड का फॉर्मूला सम कॉन्स्टेंट इन टू पी आर फोर बाई ईटा टाइम्स L आ जाएगा। बस तुमने ये प्रूव कर देना है और एंड में लिख देना है इस कांस्टेंट की वैल्यू पाई बाय 8 होती है अकॉर्डिंग टू पॉइसन। तो बस हो गया प्रूफ, कुछ नहीं है, वेरिफिकेशन है, कोई ऐसा नहीं है। मैं इसलिए करवा रहा हूँ, मैंने देखा किसी स्कूल में ना लास्ट ईयर तो नहीं आया हुआ था ऐसा, पॉइसन का भी और स्टोक्स का भी। तो मैंने तो कहा था वेरीफिकेशन, मतलब इसमें बेसिकली क्या था यार, इतना इंपॉर्टेंट लगा नहीं मेरे को, डाल दिया किसी टीचर ने, मैंने अब बता दिया आपको ऐसे कर लेना। तो पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? कोई भी डाल सकता, आप वेरीफिकेशन कर देना, बात करो यूनिट एंड डायमेंशन से प्रूफ कर देना।